हेलो मित्रों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के सब टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया को कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि इसमें किन किन बातों की चर्चा की गई है। इसमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इससे जुड़े हुए सवाल किस किस तरह के होते हैं और उसको निश्चित रूप से आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि वह दसवें के छात्र के परीक्षा में तो पूछता ही है, साथ ही जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी प्रतियोगियों से मेरा कहना है कि इस पाठ में बताए गए, वैसे तो मेरे सारे वीडियो में जितनी बातें महत्वपूर्ण होती है उन बातों को आपको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑब्लाइज मी। चूंकि मैं मेहनत करता हूँ, अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये चीज हमारे जानकारी में नहीं था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, छात्र है तो महत्वपूर्ण है ही, अगर कोई आम और खास व्यक्ति भी हमारे इस वीडियो को देखते हों और उन्हें लगे कि ये मेरे लिए नई चीज़ है, मेरे जानकारी के लिए अच्छी चीज़ है, तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स जो डिफिकल्ट है, साधारणतः बच्चा को समझने में दिक्कत होता है, उन टर्म्स को मैं पहले कोशिश करूंगा समझाने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड, क्या समझना है। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर द यूज ऑफ लैंड, भूमि का उपयोग जो हम करते हैं उसको कौन कौन से कारक है जो उसे प्रभावित करता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स एज वेल एज बाय ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में भौतिक कारणों में कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों को हम लोग संक्षेप में देखते हैं। पहला कारक है जो फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है, वह पहला कारक है टॉपोग्राफी। दूसरा है क्लाइमेट एंड तीसरा है सॉइल टाइप। ये तीन फैक्टर्स है जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करता है। अगर किसी जगह का टोपोग्राफी पथरीली है, माउंटेनस रीजन है, जैसे इन जगहों पर दो ऊपरी इलाके में जो माउंटेनस रीजन है वह आइस कवर्ड है, तो उस जगह के लैंड का उपयोग नहीं होगा। लेकिन जब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, फुटहिल एरिया में आएंगे, तो वहाँ के टोपोग्राफी का यूज़ अलग उद्देश्य से किए जाते हैं। वह आपको पर्यटन उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों का विकास हो सकता है, और बहुत सारे ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, वैलीज हैं, जो दुनिया का ध्यान अपने ओर आकर्षित करता है। टोपोग्राफी मतलब भू आकृति। ये प्लेन एरिया है, ये नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये सारे जो प्लेन एरिया में हैं, यहाँ का टोपोग्राफी माउंटेनस रीजन से भिन्न है, और इसका उपयोग अलग तरह के कार्यों के लिए होता है, जैसे कृषि कार्यों के लिए। यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वर्क्स होगा वह इजीली होगा, लेकिन माउंटेनस एरिया में नहीं होगा। तो यूज ऑफ लैंड को जो है ये टोपोग्राफी भी प्रभावित करता है। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, तो यह रीजन भी ऊबड़ खाबड़ है, इसका भी उपयोग जितने कुशलता से, जितना अच्छा से हम इन मैदानी भागों का उपयोग करते हैं, उतना अच्छा से इन भागों का उपयोग नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि यह भी उबर खाबर है। इसमें कृषि कार्य नगण्य होता है, इसमें तो बिल्कुल ही नगण्य होता है क्योंकि पथरीली भूमि होती है। तो कहने का मतलब है टोपोग्राफी लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करता है या द यूज ऑफ लैंड को डिटरमाइन करता है। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट अगर हॉट है एंड ड्राई है तो क्या होगा, डेजर्ट बनेगा, और डेजर्ट बनेगा तो उसका यूज अलग तरह से होगा, उसका यूज कृषि कार्य के लिए बहुत आयात रूप में नहीं होगा। अगर हॉट एंड ह्यूमिड है तो वहां कृषि कार्य अच्छा होगा। तो कहने का मतलब लैंड यूज जो है को क्लाइमेट भी डिटरमाइन करता है। अगर हम सॉइल टाइप की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये एल्यूवियल सॉइल रीजन है, ये नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त सॉइल टाइप होता है। फिर अगर हम इस क्षेत्रों में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो लेटराइट सॉइल का है, रेड सॉइल का है, थार राजस्थान में जाएंगे तो वह सैंडी सॉइल है या डेजर्ट सॉइल है। तो सॉइल टाइप्स भी लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करता है। ये तो हो गया टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल की बात। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स जो लैंड यूज को डिटरमाइन करता है। ह्यूमन फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आता है उसको देखते हैं। तो पहला है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी अब संक्षेप में देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे प्रभावित करता है लैंड यूज पैटर्न को। आपको मालूम है कि जिन क्षेत्रों में पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां जो है अन्य कार्य प्रभावित होगा, वहाँ कृषि कार्य प्रभावित हो सकता है, वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कार्य प्रभावित हो सकता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटीज। ठीक है, किसी एरिया में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो या वहाँ यह भी हो सकता है कि उस एरिया के आउटस्कर्ट क्षेत्र में या रीजन में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उसके लिए स्किल्ड लेबर मिल सकता है, लेबर मिल सकता है, तो वह इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। जहाँ कृषि कार्य बहुतायत से होती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है, और वह होता है मैदानी इलाके। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित तो ये हो करता गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी मान लीजिए कि ये माउंटेनस रीजन है या ये प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन में जो है मिनरल रिसोर्सेज भरा पड़ा है, तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी है या कैपेबिलिटी है तो इस जगह के जो मिनरल रिसोर्सेज है उसको माइन करेंगे, उसके लिए बजाबते वहाँ टाउनशिप और सिस्टम और सारे मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, तो क्या होगा कि उस एरिया में पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, उस एरिया का उपयोग सकारात्मक तरीके से हो पाएगा। अगर टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी हमारी नहीं होगी या कैपेबिलिटी हमारी नहीं होगी तो उस खास एरिया का जो मिनरल रिसोर्सेज है या रिसोर्सेज है उसका उपयोग अच्छे ढंग से या सर्वोत्कृष्ट ढंग से नहीं हो पाएगा, और फिर उस एरिया का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी किसी एरिया को प्रभावित करता है, उस एरिया के लैंड यूज को प्रभावित करता है। और तीसरा है आपको कल्चर एंड ट्रेडिशन। यहां जगह नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं तीसरा, कल्चर एंड ट्रेडिशन।
तो कल्चर एंड ट्रेडिशन भी लैंड यूज को विकसित करता है। आपको उदाहरण के तौर पर कहीं अगर धार्मिक क्षेत्र है तो उस एरिया का उपयोग धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई खास ट्रेडिशन चला आ रहा है, कहीं कोई हाट लगाया जा रहा है, कहीं कोई मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो लोगों की प्राथमिकता होगी उस जगह के जमीन को वैकेंट रखें ताकि मेला का आयोजन या हाट का आयोजन होते रहे। तो उस जगह के भूमि का उपयोग उसी रूप में होता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह से ये जो फैक्टर है, आपको फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत ये तीन फैक्टर्स आ गया, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। ह्यूमन फैक्टर्स के अंतर्गत आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो यह लैंड यूज पैटर्न को या द यूज ऑफ लैंड को डिटरमाइन करता है या प्रभावित करता है। अब हम लोगों को बात करना है कि हमारे भारतवर्ष में, इन इंडिया, हाउ मच लैंड इज अवेलेबल टू अस टू यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से अबाउट द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऐसा क्यों? ऐसा मैं तीनों इसलिए लिखा क्योंकि कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी ये एग्जैक्ट फिगर पूछता है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूछता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हेक्टेयर में पूछे या लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूछे, तो दोनों 32.8 यहां भी है, 32.8 यहां भी है, तो दोनों जगह एक ही है, लेकिन वर्ड बदल गया। एमसीक्यूज में ध्यान रखना है कि अगर लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूछता है तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर टिक करेंगे। अगर ये 32.8 करोड़ हेक्टेयर से संबंधित है तो इसको टिक करेंगे, ये याद रखना है। तो ये यहाँ तक कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, 10th क्लास के बच्चे को ये याद रखना चाहिए कि पूछा जाए व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, याद रखना है। हो सकता है आपको व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन हेक्टेयर पूछ दे, हाँ, तो आपको उस हिसाब से याद रखना पड़ेगा। अब इतने भूमि हमारे पास है, उसमें से सिर्फ 92.5, राउंड फिगर में 93% ही भूमि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ लैंड यूज डेटा विच इज अवेलेबल टू अस, दैट इज 92.5, इन राउंड फिगर वी कैन से 93%। और 93% क्यों? ये 93% क्यों, 100% क्यों नहीं? बाकी का परसेंट कहाँ गया? तो बाकी का चला गया आपको ये जो पीओके वाली हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान ने चाइना को दहेज में दे रखा है, अक्साई चीन, ये वाला हिस्सा घट गया। इसके अतिरिक्त ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम को छोड़कर, आसाम का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन आसाम को छोड़कर बाकी जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हिस्से में, उन सारे स्टेट्स का जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ लैंड यूज डाटा है वो उपलब्ध नहीं है। उसका कई कारण है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है बहुत ही दुरूह क्षेत्र होने के कारण, ड्यू टू रग टेरेन एंड डिफिकल्ट एक्सेसिबिलिटी द डेटा इज नॉट अवेलेबल टू अस। इस वजह से वह घटकर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अवेलेबल टू अस
टू यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।